मैं जम करके जूझने की क्रिया करता हूँ, जिंदगी में जूझ जाऊँ, जितना मैं जूझ जाऊँ उतना आप लोग 10,000 जन्म लेकर नहीं जूझ सकते, उतना मैं जूझ जाऊँ जिंदगी से, अपनी जिंदगी से, अपने आप से। हर दिन अपने आप को तोड़ा है, जोड़ने की क्रिया की अपने आप से। ये मैं जानता हूँ कि हिमालय कितना उबड़ खाबड़ है, ये मैं जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि हिंसक पशु कैसे होते, ये मैं जानता हूँ। ये जानता हूँ कि अपने गृहस्थ को सही से संभालना कितना कठिन है, ये मैं जानता हूँ। ये जानता हूँ कि दुष्ट व्यक्तियों के बीच में जिंदा रहना कितना सांस में कठिन होता है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए शिव ने अगर जहर किया था तो बहुत कठिनाई के साथ किया होगा, मगर उन्होंने चेहरे पर उफ नहीं आने दी, और ऐसा कह करके मेरे को एहसान भी नहीं थोपा। मैं सुबह भी कहा था कि और जहर मिल जाए, मुझमें एहसास हो मैं कितना पी सकता हूँ, शायद इसी 10,000 गुना ज्यादा पी सकता हूँ, क्षमता है मुझमें, जूझूंगा पूरी ताकत के साथ जूझूंगा। ये तो एक बाप और बेटे के बीच का संवाद, आप मेरे बीच की एक बातचीत, जहां पुत्र होगा तो पिता कहेगा, डांटेगा भी, कुछ करेगा भी, सीने से भी लगाएगा, थप्पड़ भी मारेगा, मगर उसको अपने समान बनने की क्रिया में कोशिश में लगेगा। इसलिए नहीं वो स्वार्थी बने, इसलिए नहीं वो धोखेबाज बने, इसलिए कि अंशी भूत बने, अंगी भूत बने। शिष्य को अपने आप में पुत्र कहा गया, तमे कहा गया, उस शरीर के सदस्य कहा गया, आप मेरे पुत्र हैं, तमे हैं मेरे, आप शिष्य नहीं है, मेरे शरीर के किसी न किसी भाग के हिस्से हैं आप से मिलकर के एक चीज बनी है, उसको नाम शिमाली कहते हैं। कोई नया नाम शिमाली कहीं से पैदा होकर नहीं आया। आपको सुबह पूर्ण अरुणों परिवर्तित देवत्व स्थापन दीक्षा के बारे में कहा था, वह दीक्षा मैं आप प्रदान कर रहा हूँ, और जितने समय तक दीक्षा दें उस समय तक आप आंख से आंख मिलाते हुए और अंदर केवल गुरु मंत्र बोलते रहेंगे, ओम परम तत्वाय नमः, से आधा मंत्र बोलें, से चौथा ही मंत्र बोलें, ओम परम इतने बोलेंगे तभी अपना में पूर्ण हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पर आपका ध्यान मनस वहाँ हो, नेत्र नेत्रों से जुड़े हों, और आज्ञारंध्र जो है, ब्रह्मरंध्र जो है, उसके माध्यम से पूरे शरीर में अणु परिवर्तित, पूरे संसार पूरे शरीर के जड़ों में एकत्रीभूत है, तो आगे चक्र में है और नाभि में, दो जगह है। एक लड़का अपनी माँ से पूरी तरह से नाभि से जुड़ा होता है और कोई जगह से जुड़ा नहीं होता वो, और जो जन्म लेता है तब भी नाभि के साथ एक नाल आती है, उस नाल के साथ वो सारा रस ग्रहण करता है, वो जिंदा रहता है, सांस भी उसके साथ ही देता है, या फिर ब्रह्मरंध्र बड़ा होने के बाद में ये आज्ञा चक्र जो है दोनों भवों के बीच में, वहाँ पूरे शरीर के अणु पुंजीभूत होते हैं। भाखड़ा बांधर की पूरी बिजली इसमें समाई थी, यहाँ पंजाब में भाखड़ा बांधर है, वहाँ की बिजली पूरी इस बल्ब में आई हुई है, हजारों मील दूर से यहाँ पुंजीभूत है वो, ठीक उसी प्रकार से इसलिए रोष ले रही है, और पूरे शरीर का सब तो अपने आप में आज्ञा चक्र में है, इसलिए औरतें उस बिंदिया इसलिए लगाती है कि वो भाग ठंडा रहे, हीट में नहीं आ जाए, इसलिए ब्राह्मण लोग यहाँ चंदन जो तिलक लगाते हैं कि वो भाग ठंडा बना रहे, गर्मी से एकदम से विस्फोटित ही बन जाए। ये बिंदी लगाने के पीछे या चंदन की बिंदी लगाने के पीछे या ठंडी बिंदी लगाने के पीछे तर्क ये है, कोई सुंदरता की बात नहीं है कि हम एकदम से हॉट नहीं बन जाए, और जो कुछ लें उसके माध्यम से ले सकते हैं और कोई अंग से ले भी नहीं सकते। इसलिए आप पंक्ति बंद खड़े हो जाएं, जो भी इस दीक्षा ले रहे हैं ये दीक्षा ला रहे हैं। ये न कहे
कहना कि अजी क्या है भला चोरी में, ये न कहना कि अजी क्या है भला चोरी में। लो सुनाता हूँ तुम्हें जो है मजा चोरी में। देखो संसार का सब भेद ढका चोरी में, और संसार का करतार छिपा चोरी में। देह तो जड़ है इसी वास्ते प्रत्यक्ष भी है, इसमें चैतन्य जो बैठा है कहाँ चोरी में। बिंदु वेदों ने भी पाया न कभी जिसका पता, बाल बालों को वो गोकुल में मिला चोरी में। बोले पूज्य गुरुदेव की जय। गोकुल मथुरा
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।